वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूनिट टू अभी तक इस यूनिट में हम सीख चुके हैं कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके बाद हमने सीखा था कि कंडीशनल स्ट्रक्चर यानी कि इफ़ स्टेटमेंट को इफ़ एल स्ट्रक्चर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है कंडीशनली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए अब एक तीसरा बहुत अहम बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वह है लूप्स का लूप्स का मतलब ये है कि अगर हम कोई काम बार बार करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर आइटरेट करना चाहते हैं रिपीट करना चाहते हैं तो हम उन उस इस काम को कैसे सर अंजाम दे सकते हैं लूप्स आर अ वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग समथिंग ओवर एंड ओवर द सेंटेक्स फॉर द वायर लूप इज वेरी सिमिलर टू द इफ स्टेटमेंट हमने देखा था कि इफ़ स्टेटमेंट में हमारे पास यहाँ इफ़ और उसके बाद एक टेस्ट एक्सप्रेशन होता था और उसके बाद एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स पॉसिबली हो सकता था जो कि इस कंडीशन के ट्रू होने के केस में एग्जीक्यूट होता था वायल लूप भी बिल्कुल इफ़ स्टेटमेंट ही की तरह है सिर्फ फ़र्क क्या नज़र आ रहा है हमें कि यहाँ पे इफ़ की जगह पे वायल आ गया राइट right? और फ़र्क क्या होगा इसके अंदर एग्जीक्यूशन के एतबार से कि इफ़ के केस में अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है वरना इसके पैरेलल नीचे जो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है वो एग्जीक्यूट होने लग जाता है यानी अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उसके बाद, बाद वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा और बाद वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जबकि वायल के केस में ये कंडीशन चेक होगी अगर ये कंडीशन दुरुस्त हुई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद इमीजिएटली नीचे वाली स्टेटमेंट्स की बजाय दोबारा इसी कंडीशन को चेक किया जाएगा अगर ये कंडीशन अभी भी दुरुस्त हुई तो ये ब्लॉक दोबारा एग्जीक्यूट होगा यानी वायर लूप के केस में जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम यहीं पे आइटरेट करते रहेंगे यही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते रहेंगे सो इन कंट्राज टेटमेंट वेद्क एग्जीक्यूट ईदर जीरो और वन टाइम्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द टेक्सट एक्सप्रेशन इज़ ट्रू और फॉल्स अ वायल लूप एग्जीक्यूट एनी नंबर ऑफ टाइम्स कंटिन्यूंग एज लॉन्ग एज द टेक्स एक्सप्रेशन इज़ ट्रू यानी इफ स्टेटमेंट या सिफर बार चलेगी अगर कंडीशन फॉल्स हुई या एक बार चलेगी अगर कंडीशन दुरुस्त हुई जबकि वायल लूप मल्टीपल नंबर ऑफ़ टाइम्स चल सकती है उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स चल सकती है जब तक के कंडीशन दुरुस्त रहती है जब तक कंडीशन दुरुस्त है वायर लूप आइटरेट करती रहेगी और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो एग्जिट uh, करके बाद वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगी इन एन इफ स्टेटमेंट इफ द द द टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू, ब्लॉक वंस एंड देन कंटिन्यूज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट के बाद वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके ब्लॉक के बाद वाली. False, and and, uh, contrast, अगर हम वायल की बात करें वायल लूप इज़ ट्रू द ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड अगर वायल लूप ट्रू होगी तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा देन एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज बाय गोइंग बैक टू टेस्ट एक्सप्रेशन अगेन और उसके बाद फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो हैं यानी जो वायल स्टेटमेंट वायल्ड लूप के ख़त्म होने के बाद की स्टेटमेंट्स की तरफ जाने की बजाय वो दोबारा उसी टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए चला जाएगा कंट्रोल और अगर वह अभी भी ट्रू हुआ तो ये दोबारा वायल लूप एग्जीक्यूट होगी और ये तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी हर एग्जीक्यूशन के बाद वो टेस्ट कंडीशन चेक होगी जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वायर लूप अपने आप को आइटरेट करती रहेगी और अगर वो कंडीशन किसी भी सूरत में फॉल्स ना हो हमेशा ट्रू ही रहे तो ऐसी लूप को हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं यानी ये लूप लूप किसी भी सूरत में एग्जिट करके लूप के बाद वाली स्टेटमेंट्स की तरफ नहीं जा सकती एक मिसाल देखते हैं बहुत सादा सी एक वेरिएबल हमने लिया आई आई आमतौर पे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एनीवे वी हैव अ सिंपल वेरिएबल आई which इज initialized to जीरो और हमने लिखा वायल आई इज लेस than जीरो अब कंडीशन हमने क्या लगाई इफ नहीं बल्कि हम वायल का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने कंडीशन लगाई है कि जब तक आई की वैल्यू दस से कम है इस वक्त तो आई की वैल्यू दस से कम है यानी कि कंडीशन ट्रू है तो हम इसके अंदर वाली स्टेटमेंट्स की तरफ चले जाएंगे प्रिंट i i को प्रिंट करें इस वक्त i की वैल्यू सिफर थी i की वैल्यू सिफर प्रिंट होगी उसके बाद i में एक का इजाफा कर दिया हमने i इज ई प्लस वन राइट आई की वैल्यू वन हो गई जब यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो हम दोबारा यहां पर यह कंडीशन चेक करने के लिए चले जाएंगे आई की वैल्यू अब वन है वन इज स्टिल कंडीशन फिर ट्रू है हम फिर वन प्रिंट करेंगे फिर इसमें एक का इजाफा करेंगे टू हो जाएगी एंड सो ऑन सो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन जब प्रिंट होगा नाइन के बाद आई की वैल्यू टेन हो जाएगी और अब जब हम कंडीशन चेक करेंगे तो टेन इज नॉट लेस देन टेन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इसका मतलब क्या होगा कि हम वायल से बाहर आके अगर इसके बाद कोई स्टेटमेंट्स होंगी तो उनको एग्जीक्यूट करेंगे राइट हम इस कोड को ज़रा टेस्ट करके देखते हैं हम एक वेरिएबल लेते हैं आई जिसको हम जीरो से निशलाइज करते हैं फिर हम लिखते हैं वायल आई इज लेस देन टेन और यहां एक कॉलन लगाया कॉलन का मतलब यह है अब जब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो कर्सर एक टैब आगे है तो हम क्या करते हैं प्रिंट आई और फिर मैं लिखता हूं आई इज असाइंड आई प्लस वन और अब मैं दो बार एंटर प्रेस करूंगा तो मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगा इस ब्लॉक से so आपने देखा कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये प्रिंट हुए और जब नाइन प्रिंट होने के बाद इसकी वैल्यू में मजीद एक इजाफा हुआ यानी कि ये टेन हो गई वैल्यू तो टेन इज नॉट लेस टेन उस सूरत में हम इससे बाहर आ गए और यहाँ प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया एग्जिट हो गया अगर इसके बाद यहाँ कोई स्टेटमेंट होती तो वो स्टेटमेंट बाद में इसके एग्जीक्यूट होती राइट right? uh, इस को, प्रोग्राम को छोटे से कोर्ट नेपट को हमने अलग फाइल uh, फाइल में लिखने की बजाय डायरेक्टली यही कंसोल पर लिख के ट्राई कर लिया विच वी कैन डू ओके सो so, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं मजीद हमारे सामने एक एग्जाम्पल है व्हाट डज दिस प्रोग्राम डू वी हैव आई इज इनिशलाइज्ड विद जीरो वाइल आई इज नॉट इक्वल टेन आई इज असाइंड आई प्लस टू एंड देन प्रिंट आई अगर हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करें ऊपर वाले केस से तो इस केस में भी आई जीरो से इनिशलाइज हो रहा था कंडीशन यहाँ थी आई लेस देन टेन वायल जब तक आई दस से कम है यहाँ कंडीशन थोड़ी सी हमने तब्दील कर दी दैट इज वाइल आई इज़ नॉट इक्वल टू टेन जब तक के आई दस के बराबर नहीं हो जाता यानी ये कंडीशन सिर्फ तब फॉल्स होगी जब आई दस के बराबर होगा दस से कम हो तो भी ये कंडीशन ट्रू रहेगी और दस से ज्यादा हो तो भी ट्रू रहेगी और उसके बाद इस केस में हम पहले प्रिंट कर रहे थे बाद में इंक्रीमेंट कर रहे थे और इंक्रीमेंट एक का कर रहे थे जबकि इस केस में हम इंक्रीमेंट दो का कर रहे हैं और प्रिंट बाद में कर रहे हैं तो अब इसको जरा गौर से देखिए पॉज कीजिए रुकिए, और कोशिश कीजिए कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि इसकी आउटपुट क्या होगी इसका जवाब क्या होगा सो आई होप यू हैव फिगर्ड इट आउट तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं इट प्रोड्यूस एन एरर क्या कि एरर प्रोड्यूस करेगा देर इज नो अपेरेंट प्रॉब्लम विद इट दिस कोड विल नॉट प्रोड्यूस एनी एरर इट विल प्रिंट आउट टू फोर सिक्स एट एंड टेन ये दो चार छ आठ दस प्रिंट करेगा या सिफर दो चार छ आठ प्रिंट करेगा या सिफर दो चार छ आठ दस प्रिंट करेगा या इट विल रन फॉर एवर या ये एक इनफाइनाइट लूप है ये कभी भी खत्म नहीं होगी राइट right? आई होप यू हैव फिगर इट आउट इफ यू हैवन प्लीज पॉज एंड ट्राई टू डू इट हम इसको इंटरप्रेटर uh, में जाके लिख के टेस्ट करके देखते हैं तो हम यहां पे आई को दोबारा निशलाइज कर लेते हैं और मैं इसी लूप को आई इज नॉट इक्वल टेन और यहां हम करते हैं आई इज असाइंड आई प्लस टू और बाद में हम प्रिंट आई करते हैं राइट सो दिस इज़ व्हाट वी नीडेड टू डू हियर। हम पहले इसमें इंक्रीमेंट करेंगे बाद में इसे प्रिंट करेंगे सो so, क्या ख़्याल है आपका क्या होगा ज़ीरो से निशलाइज़ किया ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू टेन तो पहले हम इसमें दो का इजाफा करेंगे फिर प्रिंट करेंगे यानी जो पहली वैल्यू प्रिंट होगी वो टू होगी उसके बाद फोर फिर सिक्स फिर एट जब ये वैल्यू टेन होगी तो टेन भी प्रिंट हो जाएगा राइट right? टेन uh, भी प्रिंट हो जाएगा अब i की वैल्यू जब टेन है i इज इक्वल टू आई एट से टेन हुई टेन प्रिंट हुई अब हम चेक करेंगे टेन इज़ नॉट इक्वल टू टेन अब दस तो दस के बराबर होता है लिहाजा दस के केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी सो लेट्स सी इट हैज़ प्रिंटेड टू फोर सिक्स एट एंड टेन एज वी जस्ट फिगर इट आउट राइट सो जैसे ही ये वैल्यू टेन होगी तो उसके बाद जब ये कंडीशन चेक होगी तो चूंकि टेन टेन के बराबर होता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मजीद ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी ओके वी सी एन एग्जाम्पल अब हमने आई को जीरो की बजाय से बजायलाइज किया है और बाकी कोड हमने सेम रखा है राइट आई इज इक्वल टू आई प्लस टू एंड प्रिंट आई अब आपको अंदाजा लगाना है कि इस केस में क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोड्यूस एन एरर अगेन इस कोड में कोई ऐसा सेंटेक्टिक ऐस प्रॉब्लम नहीं है इट विल नॉट प्रोड्यूस एन एरर इट विल प्रिंट आउट टू फोर सिक्स एट uh, एक चीज वाजे है चूँकि ये वन से शुरू हो रहा है और इसमें टू का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसकी वैल्यूज वन थ्री फाइव सेवन यानी ऑड वैल्यूज होंगी, इवन वैल्यूज नहीं होंगी। तो दूसरी ऑप्शन भी ठीक नहीं है तो हम तीसरी चौथी और पांचवी ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं फर्स्ट इज वन अब चूंकि यह पहले इंक्रीमेंट होता है तो वन तो प्रिंट नहीं होगा बल्कि वन में टू का इजाफा होगा और थ्री पहले प्रिंट होगा सो इट विल प्रिंट आउट थ्री फाइव सेवन इट अपेरेंटली लुक्स लाइक दैट तो हमारे पास पहली तीनों ऑप्शन निकल गई डी और ई रह गई राइट अब इस केस में यानी हम कहते हैं थ्री होगा फिर फाइव होगा फिर सेवन होगा फिर नाइन होगा नाइन के बाद जब ये इंक्रीमेंट होगा तो ये इलेवन हो जाएगा यानी इसमें आई की वैल्यू टेन कभी होगी ही नहीं तो अब ये कंडीशन आई की वैल्यू दस से कम हो तो भी ठीक रहेगी दस से बढ़ जाए तो भी ठीक रहेगी और जब दस से बढ़ जाएगी तो चूंकि ये मुसलसल बढ़ती रहेगी तो अपेरेंटली ये एक इनफाइनाइट लूप है इट विल रन फॉर एवर राइट आई होप यू जस्ट फिगर इट आउट. अगेन हम इसको भी करके देख लेते हैं अभी सो so, आई को हम वन से इनिशलाइज करवा रहे हैं और अब प्रिंट करें सी इट विल जस्ट कीप ऑन रोलिंग राइट बिकॉज नाइन के बाद टेन हुआ ही नहीं बल्कि इलेवन और फिर थर्टीन एंड सो ऑन तो लिहाजा ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी सो दिस इज एन इनफाइनाइट लूप एंड इट रन फॉर एवर ओके वी वी हैव नीड टू राइट सम कोड नाउ. डिफाइन अ प्रोसीजर प्रिंट नंबर हमें एक प्रोसीजर बनाना है उसका नाम हमें एडवाइस किया गया है कि हम उसका नाम फॉर एग्जाम्पल प्रिंट नंबर्स रख लेते हैं दैट टेक्स एज इनपुट अ पॉजिटिव होल नंबर उसको इनपुट के तौर पे हम एक पूरा एक एक नंबर देंगे पॉजिटिव नंबर एंड इट प्रिंट्स आउट ऑल द होल नंबर्स फ्रॉम वन टू एंड इंक्लूडिंग द इनपुट नंबर तो जो नंबर हम इस प्रोसीजर uh, uh, को एज इनपुट देंगे ये वन से लेके इस नंबर तक तमाम नंबर्स को प्रिंट करेगा यानी अगर हम थ्री दे रहे हैं तो ये वन टू थ्री प्रिंट करेगा अगर हम टेन देंगे तो ये वन टू थ्री सो ऑन अप टू टेन प्रिंट करेगा राइट सो वी जस्ट गो ऑन वी ओपन आर फेमस हमने प्रोसीजर्स के नाम से एक फाइल बनाई थी हम इसमें इस प्रोसीजर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं सो वी राइट डेफ हमें बताया गया है कि आप इसका नाम ये रख लें आप कोई भी और नाम रख सकते हैं दैट्स ऑल राइट इनपुट क्या लेगा कोई नंबर एक होल नंबर लेगा और प्रिंट क्या करेगा एक से लेकर इस नंबर तक तमाम नंबर्स को यह प्रिंट करेगा राइट right? सो वट वी डू इज हम एक नंबर ले लेते हैं i इज इक्वल टू वन और फिर हम लिखते हैं वाइल i इज लेस देन इक्वल टू नम जब तक i की वैल्यू नंबर से i की वैल्यू जब तक नम से कम या उसके बराबर है तब तक हम इसको आइटरेट करते रहेंगे प्रिंट क्या करना है हमें आई और आई में एक का इजाफा भी कर देंगे इस कोड को हम जरा दोबारा देखते हैं हमने प्रोसीजर डिफाइन किया प्रिंट नंबर्स। उसकी इनपुट है एक नंबर वट एवर दैट इज और फिर हमने क्या करना है वन से लेके इस नंबर तक तमाम नंबर्स को एक बार प्रिंट करना है तो हमने लूप लगाई वायल आई इज लेस देन इक्वल टू नम जब तक ये नम जो है उससे कम या उसके बराबर है तो हम उस नंबर को प्रिंट करते जाएंगे यानी ये वन से प्रिंट होना शुरू होगा और उसमें साथ साथ एक का इजाफा करते जाएंगे राइट सो so, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं प्रिंट नंबर्स हम इसको थ्री ही देते हैं एंड सी इट प्रिंटेड वन टू थ्री अगर हम इसे टेन देते हैं विल प्रिंट वन अप टू टेन सो आई होप यू गॉट द आइडिया इट टुक इट एज इनपुट दैट नंबर वट एवर वी गिव और वन से लेके उस नंबर तक इस लूप को चलना है आई कोई प्रिंट करता जाएगा और आई में एक का इजाफा करता जाएगा प्रिंट करता जाएगा इजाफा करता जाएगा और साथ साथ ये देखता जाएगा कि ये नंबर से छोटा या उसके बराबर है उसको क्रॉस नहीं कर रहा जैसे ही इसकी वैल्यू नम के बराबर होगी यानी अगर हम इसको थ्री देते हैं तो ये वन प्रिंट करेगा इजाफा कर देगा फिर टू प्रिंट करेगा इजाफा कर देगा फिर थ्री प्रिंट करेगा और इसमें इजाफा कर देगा थ्री के बाद आई की वैल्यू फोर हो जाएगी और अब जब कंपेरिजन आप करेंगे तो फोर इज नॉट लेस देन इक्वल टू थ्री सो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड द प्रोग्राम विल एक्सेप्ट देयर आई होप यू गॉट द आइडिया Uh, then there is another uh, example that is uh, uh, just suppose that a baby is playing with blocks. It's a factorial example. Uh, suppose the baby has four blocks, uh, uh, blocks four four different colored blocks, right? For example, it has red, green, uh, blue, and purple colored blocks, right? And it obviously is playing with those blocks. So, uh, it combinations mein usko place karke uske ek kind of. आ, गेम जो है वो बेबी उसके साथ खेल रहा है सो so, अब उसके लिए एन्जॉयमेंट या अम्यूज़मेंट पॉसिबली ये हो सकती है कि उनको मुख्तफ कॉम्बिनेशन में प्लेस करके देखें मिसाल के तौर पर उसके पास पहला ब्लॉक अगर उसे रखना है तो उसके पास चार ऑप्शन हैं वो रेड ग्रीन ब्लू और पर्पल में से कोई भी रख सकता है सो so, फर्ज करें कि वो रेड ब्लॉक चूज कर लेता है रेड ब्लॉक चूज करने के बाद उसके ऊपर उसको एक दूसरा ब्लॉक रखना है उसके लिए उसके पहली बार चार ऑप्शन थी अब जब दूसरा ब्लॉक उसने प्लेस करना है तो उसके पास तीन हैं। सपोज वो तीन जो ऑप्शन बची हैं उसके पास वो उसमें से ग्रीन ब्लॉक प्लेस करता है तो रेड के ऊपर दूसरा ब्लॉक उसने ग्रीन प्लेस कर लिया अब तीसरा ब्लॉक जो उसे पिक करना है उसमें उसके पास दो ऑप्शन हैं ब्लू एंड पर्पल सपोज वो उसके ऊपर एक पर्पल ब्लॉक प्लेस कर देता है राइट right? सो so, अब इन दो ऑप्शन में से उसने एक ऑप्शन ले ली अब उसके पास लास्ट ब्लॉक प्लेस करने के लिए एक ही ऑप्शन बाकी है अगर हम सादा लफ्जों में इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली मॉडल करें तो इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं जिसमें हम तमाम को डील कर रहे होते हैं राइट दैट मीन्स कि अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन जो उसका फैक्टोरियल्स बनेंगे जो पॉमिटेशन बनेंगी दैट विल बी एन यानी वो फर्स्ट टाइम हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके बाद हम एक पिक कर लेंगे तो उसके बाद एन माइनस वन होंगे फिर उस जब एक और पिक कर लेंगे तो एन माइनस टू होंगे एंड सो ऑन लास्ट में हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा यानी चार के केस में हमारे पास पहली बार चार ऑप्शन होंगी उसमें से एक पिक कर लेंगे फिर तीन ऑप्शन होंगी राइट यानी चार जरब तीन हो गई टोटल फिर तीन के बाद जब एक और पिक कर लेंगे तो दो रह जाएंगी राइट तो चार जरब तीन जरब दो जरब एक ये फैक्टोरियल हमारा बनता है